मानी मनले हम परसादी उनके नाम के मोरा मिलन करा दे श्री राम से मोरा मिलन करा दे श्री राम। बाबू ये बताओ पापा तुम्हारे कौन है? ये और ये? ये मेरे चाचा हैं। ये चाचा हैं? हाँ। कैसे पता चल रहा है? मुझे पता है पहले से। तो बाल तो एक ही जैसा है दोनों लोगों का, माला भी एक ही जैसा पहने हैं, कैसे पहचान रही हो? कपड़ा भी एक ही जैसा है इन लोगों का। मैं पहचान लेती हूँ, शुरू से मुझे पहचानने की आदत हो गई है इसलिए पहचान। वो है। और ये? ये मेरे बड़े पापा। बड़े पापा हैं। क्या नाम हो? काहे खिसी आइल बाड़ू जान ले बुका हो, काहे खिसी आइल बाड़ू जान ले बुका हो, बोला हमर सुगनी परान ले बुका। दुनिया हो सेवा करिह बाबू और माई के संग में, छोटका भाई के संग में, छोटका भाई के संग में, छोटका भाई के संग में, छोटका हुनाया इल माई रे, झक हुनाया इल माई रे, कुकुरो सियार में हना सुना तानी। आप सभी दर्शकों को रिपोर्टर बाबू का नमस्कार है और मैं अभी मौजूद हूँ मऊ जनपद में। मऊ के दो मैं ऐसे जुड़वा भाइयों को दिखाया था जो कि रमा उमा नाम था, और आज ऐसे दो जुड़वा भाइयों को दिखाने जा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से जो कि सूर संग्राम और महुआ जब टीवी का एक ज़माना हुआ करता था उस समय के ये लोग उसके बादशाह माने जाते थे और उस पर अपना प्रोग्राम दिया करते थे, जो कि लोग अपना टीवी चैनल खोल के इन लोगों को एकदम नज़रें भिड़ाए नज़रें टकाटक देखा करते थे लोग। आज इन भाइयों से मैं मिलाऊंगा, नंदन और चंचल जी, चंदन जी हैं दोनों भाइयों का आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम करते हैं। नंदन चंदन जुड़वा भाई, आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नंदन चंदन प्रणाम करते हैं। ये दोनों भाई ऐसे 2007-08 का दौर था, मैं भी देखा था कि जब महुआ और सूर संग्राम आया करता था तो लोग अक्सर भोजपुरी जो देखने वाले लोग हुआ करते थे तो महुआ और सूर संग्राम जो चैनल होता था वो मिस नहीं करते थे। क्रिकेट से भी ज़्यादा देखा करते थे लोग और महिलाएं ज़्यादा करके देखा करती थी, और हमारे घर के भी महिलाएं टीवी खोल के उस समय पर जब आप लोग आते थे तो थोड़ा सा और यंग दिखते थे, अभी थोड़ा वो हो गया है। तो उस समय पर आप लोगों का वो 2007-08 का जब दौर था तो उस समय पे आप लोग बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिया करते थे। बड़ा बाल था हम लोग का, पहले की बात अलग थी। तो यही वो चंदन नंदन और चंदन जी हैं, और ये दोनों लोगों का मैं आज आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ, और इनके दो बच्चे हैं। कैसे पहचानते होंगे लोग कि आपके दोनों लोगों का तो शादी हो चुका है ना? दोनों लोग, ये दोनों बच्चे हैं आपके, ये कौन सा बच्चा किसका है, कैसे पहचानेंगे बच्ची? अच्छा बच्ची, बाबू ये बताओ पापा तुम्हारे कौन है? ये। और ये? ये मेरे चाचा हैं। ये चाचा हैं? हाँ। कैसे पता चल रहा है? मुझे पता है पहले से। तो बाल तो एक ही जैसा है दोनों लोगों का, माला भी एक ही जैसा पहने हैं, कैसे पहचान रही हो? कपड़ा भी एक ही जैसा है इन लोगों का। मैं पहचान लेती हूँ, शुरू से मुझे पहचानने की आदत हो गई है इसलिए पहचान लेती हूँ। कैसे शुरू से पहचानते? छोटी थी तभी से? हाँ। पहचान लेती थी? हाँ। आपके पापा कौन है? वो है। और ये? ये मेरे बड़े पापा। बड़े पापा हैं। क्या नाम होगा आपका? वैभव राय। पढ़ते हैं? कौन से क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड। सेकंड है, इस साल सेकंड है। तो पापा क्या करते हैं आपके? वो सिंगर है। सिंगर है। तो आप आगे बड़ा होकर के क्या बनना चाहते हैं? आईपीएस। आईपीएस बनेंगे। पापा की जैसे गायकी नहीं करेंगे? नहीं। गायकी मन नहीं करता है? मतलब पापा गायक हुए तो हमको आईपीएस बनना है, लोगों की सेवाएं करना है। देखिए बच्चा छोटा बच्चा है लेकिन जुनून है आईपीएस बनने का, और इनके दोनों जो पिता जो पिताजी हैं, ये बड़े पापा हैं और ये उनके पिताजी हैं, ये दोनों लोग सिंगिंग करते हैं, और जो कि आप लोग इन लोगों को अक्सर देखा करते होंगे टीवी चैनलों पे देखा करते थे, आज मैं इन लोगों से आप लोगों को मुखातिब करवा रहा हूँ। आप लोग गाना भी गाते हैं जी, जी। तो अश्लील गाना गाते हैं या भोजपुरी में हिंदी भी गाते हैं या भोजपुरी अश्लील मुक्त गाना गाते हैं? अश्लील गाते तो आप लोग पहले जानते हैं, सब लोग जानते हैं अश्लील हम लोग शुरू से गाए ही नहीं। उस समय पर तो देखा जाता था अश्लील नहीं गा रहे हैं, शुरू से नहीं गाते। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, दूर हम लोग। अच्छा, दूर रहते हैं। तो कुछ गाना हमारे दर्शकों को गा करके सुना दीजिए, गुनगुना के, कि अच्छा जो आप लोगों का पसंद हो।
आपके दर्शकों को पहला हम लोग सुबह सुबह का है भजन सुनाते हैं। हाँ, सुनाइए। हाँ, हनुमान जी का जी। सागर पार से सिया के समाचार लावे वाला महावीर हनुमान सबके कामे आवे वाला मानी मनले हम परसादी उनके नाम के मोरा मिलन करा दे श्री राम से मोरा मिलन करा दे श्री राम से जय हो मोरा मिलन करा दे श्री राम से। क्या गजब का गाना है। जो सुर संग्राम में जाने से पहले आप लोगों का यात्रा कैसा रहा था उसमें थोड़ा सा लोगों को ये बता दीजिए। जाने से पहले हम लोग जैसे अपने स्कूल में विद्यालय में फंक्शन में हम लोग सांस्कृतिक में कार्यक्रम में भाग लेते रहते थे हम लोग। और उस समय मऊ हम लोग का मऊ दूरदर्शन केंद्र है हम लोग के विद्यालय में आके लोग शूट करते थे। अच्छा, तो उस समय बात अलग थी। अब चल अभी चल रहा है दौर अभी भी चैनल पे ज़्यादा चलता है दूरदर्शन केंद्र पे जाते रहते हैं हम लोग। तो मतलब ऑडिशन वगैरह देना पड़ा होगा उस समय। तो हाँ, सुर संग्राम का ऑडिशन हम लोग दिए थे बलिया से। हाँ, बलिया से धरारा से। तो वहाँ पे काफ़ी सिंगर आए होंगे। 1700-1800 कलाकार थे। अच्छा, उसमें हम ही लोग का हुआ। केवल बलिया से हम ही लोग का सिलेक्शन हुआ। अच्छा, इधर से मतलब आप लोगों का सिलेक्शन। जी जी, उसके बाद मुंबई गए थे। जी, वहाँ भी ऑडिशन हुआ 2-3 बार। वहाँ से लोग मतलब यहाँ से फिल्टर करने के बाद वहाँ भी फिल्टर हुआ था। वहाँ मतलब जो छट जाता होगा फाइनल वहीं होता होगा। वहाँ भी बस 6 UP 6 बिहार। मान के चलिए कि 50,000 सिंगरों में 12 UP से, 50,000 बिहार के सिंगरों में 12 बिहार से। अच्छा। अब उसमें 24 लोग जाके वहाँ मुंबई भी करेंगे। हाँ। और उसमें 6 तुरंत छट जाएंगे। अच्छा। बस 6 ही रहेंगे। हाँ। तो उसमें भी आप तो झंडा गाड़ दिए। हाँ, झंडा गाड़ दिए। 6 UP 6 बिहार में हम लोग थे। हाँ, ऐसा था। तो वो गाना जाके सुनाई थी। काहे खिसी आइल बाड़ू जान ले बुका हो, काहे खिसी आइल बाड़ू जान ले बुका हो, बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो, बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो, काहे खिसी आइल बाड़ू जान ले बुका हो, काहे खिसी आइल बाड़ू जान ले बुका हो, बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो, बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग जब गा रहे हैं तो बच्चे मुस्कुरा रहे हैं आपके। बच्चों को कैसा लगता है बाबू? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है ना पापा, मतलब गाते हैं तो बढ़िया लगता है ना, है ठीक लगता है। देखिए बच्चों को भी इन लोगों का जो गीत है कि पापा जैसे लोग आते हैं लोग ऐसा गाइए, हम कहते हम लोग नहीं गा पाएंगे। हम लोग कह रहे हैं कुछ। हाँ, मैंने इस बोलते हैं ना जो तो ये सब बोलते थे कि शादी विवाह सब में तो सब लोग डांस भी करते हैं इसी गाने पर। हम लोग आए थे, बात कर रहे थे समर सिंह और रितेश वगैरह, ये जो जितने भी गायक हैं आप लोगों के साथ में, तो ये लोग एक समय हुआ करता था जब आप लोग एक साथ में रहते थे। सब लोग रहते थे, मैंने एक साथ खाना होना घूमना उना करना ऐसा। रितेश लोग, रितेश जूनियर हैं आप लोगों से? हाँ हाँ, जूनियर हैं। हम लोग सामने हैं ना, जूनियर हैं, रितेश हैं, समर हैं, ये लोग सब जूनियर हम लोग से। तो कहीं ना कहीं अश्लीलता देखा जाए तो खेसारी भी जूनियर है। खेसारी भी जूनियर हम लोग से। हम लोग मुंबई रहते थे, हम लोग अपनी तैयारी करते थे, उसके बाद ही खेसारी जी आए हैं। सुर संग्राम के बाद आए हैं। अच्छा। हाँ, तो 2007-8 हाँ, उसके बाद जूनियर है। मुंबई में हम लोग जूब चौपाटी में हम लोग रूम रहता था, किनारे आके अपना दौड़ते थे, फाइट उट सीखते थे खेसारी। हाँ, लेकिन हम लोग शुरू से ही गंदगी से दूर रहे, इसीलिए थोड़ा सा हाँ ये सब नहीं हम लोग गा पाए आज तक। तो ये चंदन और नंदन जी दोनों लोग हैं, थोड़ा सा कुछ और बढ़िया कोई गीत गा के सुनाइए जो जरूर। जो लोगों को पसंद आए। धनिया हो सेवा करिहा बाबू औरी माई के, धनिया हो सेवा करिहा बाबू औरी माई के, संग में छोटका भाई 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 के, धनिया हो सेवा करिहा बाबू औरी माई के, धनिया हो सेवा करिहा बाबू औरी माई के, संग में छोटका भाई के, संग में छोटका भाई के, संग में छोटका भाई के, संग में
छोटका भाई के ऐसे गाने जो है। बहुत ही बढ़िया ये पारिवारिक गीत था और आपने पारिवारिक गीत गाया। कुछ दहेज प्रथा पे भी कुछ गीत है क्या? वो दहेज प्रथा वाला जो है गीत को आप सुनाइए कि जिससे लोग दहेज लेते हैं और बेटियों को मतलब लोग बोझ समझते हैं उस पर थोड़ा सा। दहेज देते बोलते हैं और ताना भी मारते हैं ससुराल में। ऐसे ही एक स्त्री है, एक नई नई शादी हुई है, ऐसे लोग ससुराल में उसको ताना मार रहे हैं। वो अपनी माई के फोन के लिए बा कि देखो माई ऐसा बात ही है, केहू आयल ना अभी इतना दिन शादी के हो गए केहू जकाऊ ना आयल। तो देखिए अपनी माता जी से क्या कहती है। झकहू न आइल मईरे, झकहू न आइल मईरे, कुकुरो सियार में हना सुना तानी। झकहू न आइल मईरे, कुकुरो सियार में हना सुना तानी। केहू नहीं खे नहीं हर का तोहार में हना सुना तानी, केहू नहीं खे नहीं हर का तोहार। चिट्ठिया के चर्चा जनी करिए केहू से माई, कैसन ये कनिया तोहर माई के बा छतिया। लिहली ना जो है को भेजली ना पतिया, कही है कि कैसन तोहर माई है कि एक दिन तोहर जो हो ना ले ली। तोहर करे माई के करे जा तोहर कैसन बा, तो कहती है वही कैसन ये कनिया तोहर माई के बा छतिया। लिहली ना जो है को भेजली ना पतिया, झपियो ना नीमन तू, झपियो ना नीमन तू, सजलू हमार मेहना सुना तानी। केहू नहीं खे नहीं हर का तोहार मेहना सुना तानी, केहू नहीं खे नहीं हर का तोहार। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। आप लोगों का गीत सुना जाए तो दिन भर सुनता ही रह जाएगा, इतना अच्छा गा रहे हैं। माँ सरस्वती का आप लोगों के गले में वास है डायरेक्ट, ऐसा लग रहा है। और हमको लग रहा है कि दर्शक भी हमारे सुन के खुश हो गए होंगे। जो चैनल चलता है आप लोगों से लोग संपर्क करना चाहें तो कैसे संपर्क करेंगे? नंबर है, नंबर से संपर्क हो सकता है। तो नंबर एक बार बता दीजिए। 9628-64-90-70। एक और चैनल है 9415-64-000-2। अच्छा, क्या नाम से चैनल चलता है? चंदन नंदन ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब चैनल भी अपना है। चंदन नंदन ऑफिशियल के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, अगर जो चाहें तो जाके इनको सपोर्ट कर सकते हैं। और इन दोनों भाइयों का जोड़ी और एक साथ में स्वर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये दोनों भाई उस समय के बादशाह हैं जब खेसारी और रितेश और समर और जो पवन सिंह उस समय हुआ करते थे, उस दौर के ये लोग हैं। तो इन लोगों का सपोर्ट कीजिए और शेयर कर दीजिए। कैसा लगा वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर कर दीजिएगा। जय हिंद।